खरपतवार द्वारा गेहूं में करीब 15 से 25% नुकसान हो सकता है। खरपतवार कई प्रकार होता है, जैसे संकीर्ण पत्ते वाली में प्रमुख है गुली डंडा, बलोरी, मांडूसी, गेहूं की मामा, जंगली जोई, पोआ, फॉक्स ग्रास इत्यादि। चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार नाशी में से प्रमुख है बथुआ, सेंजी, चटपटा, कृष्णनील। इनके अलावा पेरेनियल खरपतवार जैसे मोथा, हिरणखुड़ी, कांटेली भी गेहूं में आते हैं। खरपतवार नियंत्रण का बहुत सारी उपाय तथा तरीका है, जैसे शून्य जुताई से गेहूं का खेती, मेड़ों में गेहूं का खेती, फसल अवशेष का बिछावन, अंतर फसलीकरण, सही फसल चक्र अपनाना इत्यादि। गेहूं का खरपतवार नियंत्रण के लिए गेहूं का बिजाई के 30-35 दिन बाद एक हैंड वीडिंग करके खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। खरपतवार नियंत्रण का आसान एवं लाभदायी एवं इफेक्टिव तरीका है खरपतवार नाशी का इस्तेमाल करना। जब किसान भाई पहले सिंचाई करते 20-22 दिन में, उसके बाद ही खरपतवार आना शुरू होता है और दिखाई देता है। तो इसीलिए खरपतवार नाशी का इस्तेमाल हम 30 दिन के बाद इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं। खरपतवार नाशी जैसे क्लोडीनाफाफ 60 ग्राम प्रति हेक्टर और उनके साथ मेट सल्फ्यूरन 4 ग्राम प्रति हेक्टर मिला के 400 लीटर पानी में नैपसैक स्प्रेयर द्वारा छिड़काव करना चाहिए। और एक दवाई जो सल्फर सल्फ्यूरन 25 ग्राम प्रति हेक्टर और मेट सल्फ्यूरन 4 ग्राम प्रति हेक्टर मिला के हम खरपतवार नियंत्रण के लिए गेहूं का फसल में 30 गेहूं के बिजाई के 30 दिन बाद करना चाहिए। पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में कोई कई क्षेत्रों में गुली डंडा, आइसोपोडोरन, क्लोनीनाफाफ, अन्य कई खरपतवार नाशियों से प्रतिरोधक क्षमता पाई है। इसका नियंत्रण के लिए पायरोक्सासल्फोन नामक एक दवाई है जिसका 127.5 ग्राम प्रति हेक्टर और उसके साथ पेंडमिथिलिन 750 ग्राम प्रति हेक्टर मिला के गेहूँ का बिजाई के 1-2 दिन बाद छिड़काव करना है। पूर्वी भारत में धान के काटने के बाद गेहूं का बिजाई होता है और जमीन में नमी रहता है, तो इसी सिचुएशन में खरपतवार गेहूं का अंकुरण के साथ साथ ही आता है। तो इसी के लिए हमें 30 दिन का इंतजार नहीं करना, इसके लिए हमें करीब बिजाई के 1-2 दिन बाद पेंडीमिथिलिन 1 किलोग्राम प्रति हेक्टर का हिसाब से 400 लीटर पानी के साथ और नैपसैक स्प्रेयर का इस्तेमाल करके करना चाहिए। पानी का मात्रा 400 लीटर प्रति हेक्टर यानी 107 लीटर प्रति एकड़ होना चाहिए और दवाई को अच्छी तरह पानी के साथ मिलाना है और गंदा पानी का इस्तेमाल नहीं करना, और स्प्रे के लिए नैपसैक स्प्रेयर और फ्लैट फैन नोजल का इस्तेमाल करना चाहिए। स्प्रे करने के समय स्प्रेयर के साथ साथ आगे आगे ना जाके पीछे पीछे आना चाहिए। खरपतवार नाशी सुबह के समय करीब 9-10 बजे करना चाहिए। आसमान में बादल हो और हवा चल रहा है, इस समय खरपतवार नाशी का इस्तेमाल करना नहीं चाहिए। और खरपतवार नाशी का इस्तेमाल करते वक्त हमें ध्यान रखना चाहिए, जो आदमी स्प्रे करेगा उसका हाथ में ग्लव्स होना चाहिए, मुंह में मास्क, आंखों में गॉगल्स होना चाहिए और बदन में एप्रन, शरीर में एप्रन होना चाहिए और पैर में गम्बूट पहनना चाहिए।